नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे सूरन के कोफ्ते और इतना स्वादिष्ट बना था कि क्या बताऊं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है सूरन उबाला हुआ और उसके बाद मुझे इसमें मिलाने हैं मसाले। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मसाले नहीं पहचान में आएंगे, तो एक अमचूर है और दूसरा गरम मसाला है और बाकी सब तो आप पहचान रहे हो। और एक जो बीच में रखा था वो था अदरक, उसमें अब छोटे छोटे कट किए हुए थे। और फिर बाद में मैंने लिया बेसन और बेसन में इन सब चीज़ों को मिलाकर अच्छी तरह से नमक के साथ और यहाँ पे गरम तेल में आपको डीप फ्राई करना है। ठीक है, थोड़ा आपको जो फ्लेम है स्टार्टिंग में लो मीडियम रखना है और फिर बाद में आप थोड़ा हाई पे भी इसको डीप फ्राई कर सकते हैं। ये होने के बाद आप देखो यहाँ पे गोल शेप प्रॉपर नहीं आया, तो सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने हाथ में पानी लगाया और फिर मैंने इस तरीके से इसे गोल बना करके डाल दिया। ये जब देखिए कितने, मतलब वाह, मज़ा आ रहा है यार देख के। और आप चाहो तो ऐसे ही इसे सॉस के साथ खाकर इंजॉय करो, या तो आप करी बनाओ। तो करी के लिए मैंने इस तरीके से मसाले रेडी किए थे और मैंने इसमें गरम मसाला डालने के साथ सुहाना का मेरे पास पनीर मसाला था वो भी डाला, थोड़ा टेस्ट बढ़ाया। ये कस्तूरी मेथी मैंने डाल दी है यहाँ पे। और इन सारी चीज़ों को डालने के बाद आपको ये जो ऊपर से ये मैं डाल रही हूँ ना, जो बेसन था ना, जिस स्टोव में मैंने बेसन को मिक्स किया था, उसमें थोड़ा पानी मिला करके डाल दिया। और फिर मैंने ये कोफ्ते को हल्का सा दबा के इसलिए डाला है कि अच्छी तरीके से जो ग्रेवी है ये इसमें एब्जॉर्ब हो जाए, जो टेस्ट को बहुत बढ़ा देती है। और इस तरीके से मैंने 4 से 5 मिनट धीमी आंच पे इसे गर्म कर दिया था और ये ग्रीन ग्रीन के साथ मैंने सर्व किया। बहुत